चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। काम तो जो सरकार कर रही है वो ठीक है, लेकिन जो भर्तियां जो वादे कर रहे हैं उसमें तो 50% भी नहीं हो पा रहे। गरीब जनता तो परेशान है महंगाई से। गरीब जनता को क्या मतलब है कि 20 फुटा रोड बना दिया है? उसके पास साइकिल तक है नहीं, उसे रोड से मतलब क्या रह गया? उसे तो मतलब रहेगा रसोई से, उसे तो मतलब रहेगा सिलेंडर से। कोरोना में जो है जो 10 रुपए की तो 20 की होली आज कोरोना के बाद, आज कोरोना के बाद पक्की होली। इस तरह से माहौल बना दिया जाए कि कैसा ही बना लो चुनाव में भी, बेरोजगारी तो खत्म हुई। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हैं और जिला मेरठ की ये बागपत लोकसभा सीट है और ये गांव है दबथुआ, जहां पर हम यहां गांव वालों से बातचीत करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों का कहना है, इस बार किन मुद्दों को लेकर लोग इस बार वोट करने वाले हैं ये हम जानने की कोशिश करें कि मेरठ ज़िले में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल अभी बन रहा है। जी नमस्कार बाबा जी। जी क्या नाम? गांव से ही हो? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे देश में चर्चा चली रही है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव है प्रधानमंत्री के, आपके क्षेत्र में क्या आपको लग रहा है इस बार क्या होगा? बागपत लोकसभा सीट मिली जुली है भाई, यहाँ तो मिली जुली भाजपा भी है और हमारे तो लोकदल हाँ, ये मेन मुद्दा तो यहाँ है, यहाँ जो हम बच्चे इस गाँव में ज्यादातर जो हिसाब है। तो अभी कैसा लगा, 8-9 साल 10 साल का काम पूरा हो रहा है? इसमें बढ़िया, बहुत पसंद है, कोई बात नहीं सेंटर में। चलिए इधर भी जी बाबू जी, क्या नाम आपका? चलो नहीं नहीं कोई बात। अब देश जी क्या लग रहा है, चर्चा तो लोकसभा को लेके काफी चल रही है उत्तर प्रदेश में भी पूरे देश में भी, आपको क्या लगता है मेरठ जिला है ये, क्या यहाँ माहौल बनेगा, किस तरह की चीजें इस बार चुनाव में? वही अभी हम लोग सारे एक सब बैठे हैं, अभी गांव का जो अब रुख है माहौल है वही कंप्रोमाइज है, दोनों का मिली जुली सरकार वो है भाई, बराबर करीब करीब बराबर से ही वोटे हैं, उधर वो भी चलते हैं उधर वो भी है, दोनों का ही जोर है। 10 सालों में क्या आपको लगता है क्या काम हुए है या क्या होने चाहिए थे या अभी कुछ बाकी है भाई जनता के हित में जो काम होते हैं? भाई सरकार के कार्य में हम और आप दखल अंदाजी क्या दे सकते हैं, जो सरकार का कार्य चल रहा है सरकार अपने तरीके से चल रही है, हमारी अपनी अपनी सोच एक अलग होती है, लेकिन जो सरकार कर रही है वो ठीक ही कर रही है अपने हिसाब से। आपके सांसद हैं यहाँ बागपत से सतपाल जी, तो क्षेत्र में कभी आए या कुछ काम ऐसे हुए उनके? ना वो इधर नहीं आए, इधर नहीं आए सतपाल जी, आए नहीं। मैं अगर बात करूँ कि भाई कई सारे वादे थे सरकार के आम जनता के लिए, भाई रोजगार की अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ कुछ रोजगार खुले या इस तरह की कोई भर्तियाँ इस तरह की चीजें आई हो? ना ऐसी यहाँ कोई, ये वादे तो जितनी सरकारें आती है सारी सरकारें वादे करती है हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन कौन पूरा कर रहा है? कोई भी सरकार पूरा नहीं करती, अपने अपने हिसाब से चलती है, समय अनुसार चलती है, जिसका जैसा माहौल होगा जैसा समय होगा उसी हिसाब से कार्य करती है। तरह से भाई क्रांतिकारी धरती है मेरठ, तो लोग कई सारे सवाल पूछते हैं भाई, महंगाई का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो यहाँ किस तरह के काम हुए हैं अभी तक? ऐसे आप मेरठ भी घूमते ही होंगे, मेरठ का ही क्षेत्र है ये। हाँ नहीं, काम तो जो सरकार कर रही है वो ठीक है, लेकिन जो भर्तियाँ जो वादे कर रहे हैं उसमें तो 50% भी नहीं हो पा रहे आज के दौर में। आज के दौर में चुनाव टाइम में हमें तो कुछ ही बता के देते हैं भाई, ये कर देंगे कर देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब बिजली में देख लो, बिजली में कहा कि भाई इतनी बिजली कर देंगे ये कर देंगे, कोई बिजली का कुछ उसमें वो नहीं करते हैं कुछ भी भाई। आप ज्यादा ना करो जो छूट दे रहे हैं या और जगह मिल रही है भाई, 100 यूनिट की, 50 की, 200 की, कुछ तो यहाँ भी होनी चाहिए सभी के लिए। अभी योगी सरकार ने भी कहा था कि किसान की अगर मैं बात करूँ भाई, किसानों को बिजली फ्री होगी, उस पर कुछ बातचीत नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो, बिजली और बढ़ के आ रहे हैं बिल पहले से, बढ़ाए थे पीछे नौकर से गांडे पे बढ़ा दिए भाव, वो का वही आ रहा पर्चियों पे अभी क्या बढ़ाए, पिछले साल का ही बढ़ाए नहीं, रेट वो का है, वो का वही है, तो कोई गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा, नहीं कोई नहीं बढ़ाया। भर्तियां एक तरह से होती थी यूपी में, या मैं आर्मी की भी बात करूं वो होती है, तो अभी कुछ उन भर्तियों पर कुछ प्रभाव लगा आपको भाई? नहीं कुछ नहीं, अभी तो इन 4 सालों में बंद है, जो पहले 2020 में भर्ती होली उसके बाद तो कोई भर्ती नहीं आई, लेकिन ये तो कह रहे हैं बहुत
विकास बहुत हो रहा है, बहुत सड़कें। पिछले साल गए, जो बात हकीकत है पिछले साल गए, उसका चौड़ीकरण हो रहा था। चौड़ीकरण में तो साल भर हो लिया है, वह जो है चौड़ीकरण हो गया, वहाँ जो वहाँ बढ़िया रिसर्च। जब उन्होंने पता पर इतनी जनता जो है वहाँ गंगा जी के मेले में जहाँ है, पशु जहाँ हैं, ट्रैक्टर जहाँ हैं, गाड़ी भी जहाँ हैं, सब जहाँ हैं, तो गाड़ी वहाँ तो सड़क तो बननी थी कि नहीं बननी थी, रुक कहो मचरा, मोदी ने सर वहाँ पुल बनवा दिया है, वहाँ सड़क वहाँ बनवा दी, ये जा क्यों नहीं बनी हैं, हमारे बछड़े की तो टांग टूट गई। जो बात है मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, अग्नि बात अपने अपने विचार। एक मेहमान है इनका, सुन तो लो, इनका मेहमान है, सुन तो लो, सुनो, एक मेहमान है इनका और वो वहाँ गए हम तीनों हैं, उसने मेरे कान खा के घेर दिए। ये तो बैठा मौके पे कह रहे, हाँ भाई मैं कहा जी देखिए, योगी ने मजा बांध दिया, मोदी ने मजा बांध दिया, मैं तो थक लिया सुनता। मैं कह रहा मेरा बल्लू इनने मेरी सड़क के बारे में ऐसे जी मार के घेर दी है। कई चीज़ ये उठती है एक तरह की, भाई जैसे महंगाई को लेकर लोग बहुत बात करते हैं कि भाई पिछले दौर से हम देखे तो एक महंगाई में बड़ा उछाल आया है, क्या रोजगार भी बढ़े हैं, आमदनी बढ़ी है महंगाई के हिसाब से, आपको क्या लगता है इस पर? क्या कह सकते जी, मैं पैसे को देख रहे, पब्लिक को देखता, भाई महंगाई कुछ भी ना है, काम भी बढ़े, लोगों द्वारा पैसा बच रहा, ऑटोमेटिक खर्चे जो वो ज्यादा बढ़ गए हैं, जो ज्यादा वो है, जब आदमी खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो महंगाई कहाँ तक कवर करेगी। कोरोने में दोनों में दोनों का फर्क आ लिया, कोरोने में कोरोन टाइम में जो है जो चीज 10 रुपए की तो 20 की होली आज, कोरोना के बाद, आज कोरोना के बाद पक्की होली, तो आम जनता पे चलते रहे, आम जनता पे प्रभाव पड़ता है, काम सारे रहे पर बोलने में हो जाता है। आप देखो कोरोना में जिसको मिजाज नहीं था खाने का, गवर्नमेंट ने कह दी जी इनको 10,000 के 15,000 के मोबाइल दिलवाओ, घर पे इनकी क्लास चलेंगी, ठीक है क्लास चली नहीं, लेकिन उसके विपरीत और उल्टे काम हो गए। और जैसे रसोई की बात करो भाई, दाल चीनी चावल सभी को चाहिए, उनमें कितना महंगा है, हर चीज महंगी है, इसमें कोई नहीं। सबसे महंगा तो सिलेंडर ही है जी, 250 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 920 रुपए का सिलेंडर है, जो हमने 1100 का सिलेंडर। और ये कब, कितने साल पहले की बात है, मतलब 250 का बहुत टाइम, लेकिन सिलेंडर की बात जैसे कर रहे हैं कि भाई अभी 200 रुपए घटाए, ये आप इसको कैसे समझते हैं, चुनावी स्टंट है या कैसे? चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट, अभी तो और घटाएंगे, हाँ घटा सकते हैं, लोकसभा के अभी और घटेंगे पैसे, 100-200 रुपए और कम करेंगे। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही थी, मोदी जी की छवि, बाबा जी बात कर रहे थे, तो आपको कुछ ऐसे एक दो काम बताइए कि भाई देश के लिए ये चीजें अच्छी हुई है इस दौर में, या गलत भी हुई है तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है? नहीं, नहीं, गलत तो नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय उसपे तो अच्छे काम हुए हैं, अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी भी है और मतलब पहचान भी हुई है देश की, ऐसी नहीं है कि पहचान, गरीब जनता तो परेशान है महंगाई से, गरीब जनता को क्या मतलब है कि 20 फुटा रोड बना दिया है? उसके पास साइकिल तक है नहीं, उसे रोड से मतलब क्या रह गया, उसे तो मतलब रह गया रसोई से, उसे तो मतलब रह गया सिलेंडर से, बताओ बताओ अजीब बात सुनो, 10% भी गरीब नहीं है, सड़क पर चले जो कह रहा, इसके 3 लड़के 3 मोटरसाइकिल 2 लड़के सब कह रहा, ऐसा क्यों कह रहा है, गलत बात क्यों कह रहा है? जनता तो परेशान है, जनता परेशान क्या है कि एक भी परेशान ना, हम होते मोटरसाइकिल चलेगी नहीं, 100 रुपए का डीजल हुआ, न्याल भी उससे लाले सब, हाँ एक चीज की हमने बताया ना, महंगाई हुई है लेकिन नाजायज खर्चे जो घर घर पड़ गए ना वो जायज नहीं है, मुतल भी जाओगे मोटरसाइकिल पर। इस सीट पर बताइए थोड़ा सा क्या आइडिया लगता है आपको, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ गठबंधन लोक दल की भी बात हो रही है, हाँ। तो यहाँ कैसा माहौल बन सकता है? बराबर टक्कर है भाजपा की भी और लोक दल की भी, लोक दल वह सीनियर में रहता है यहाँ पे, इस गांव में तो सीनियर पे रहता है लोक दल, बाकी भाजपा और ये दोनों बराबर टक्कर में रहते हैं जी। क्या राम ताऊ जी, क्या आपको क्या लग रहा है 24 के चुनाव को लेकर, या इस बार इस क्षेत्र में किस तरह की चर्चा है या किस तरह का माहौल बन सकता है? देखो चर्चा तो दोनों की बराबर है, बाकी
जो आज की सरकार है ज्यादातर उसी का ही रहे। ज्यादातर यहाँ पे भाजपा के रहते हैं, दो हिस्से हम लोग भाजपा के, मतलब 60% 65% भाजपा है यहाँ। 65% हाँ। तो एक 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 चीज़ और, जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही थी कि भाई जैसे बाबा भी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय की बात तो ना, अंतर्राष्ट्रीय तो भाई बाहर भी देशों की बात है। चलो कुछ 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 तो बताइए कि भाई 10 साल में कुछ इस तरह की चीजें बदली हो, कुछ बदलाव देखो। ऐसा सुनने में तो आ रहा भाई विदेशों में भी भाई बराबर के समान है। हाँ भाई ऐसा तो सुनने में आ रहा, बाकी हम देखे कोई। चलिए अपने अपने आगे बताइए कि कुछ रोजगार या कुछ इस तरह से भाई स्कूल यूनिवर्सिटी या शिक्षा। स्कूल ये तो बेरोजगारी की तो रुक के मचे रहे हैं, ये तो कभी पूरे हो नहीं। हाँ बस छोटे से पन से ही देखे है, और यो बेरोजगारी आज तक पूरी हुई। लेकिन चुनाव में तो इस तरह से माहौल बना दिया जाए कि ऐसा ही बना लो, चुनाव में भी बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं, यो तो हम भी कह, बेरोजगारी तो बराबर है। हम मेरठ जिले में थे और बागपत की लोकसभा सीट है, दबथुबा गांव में हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है। लोगों का मानना है कि ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं भाजपा और लोकदल में बराबर की टक्कर यहाँ होती है, और अभी के दौर में दोनों की जो गांव वालों की जो राय है कि बराबर दोनों चीज़ें बन सकती है, इस बार कहना मुश्किल है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। रीटेक चाहिए तो बता। चलिए अच्छा जी, धन्यवाद। तो आगे क्या पड़ेगा।